गुड मॉर्निंग अगेन बेटा। अभी अपने इस सेकंड वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मीन्स जो नर्व सेल है आपके न्यूरॉन्स जो है उस न्यूरॉन सेल के अंदर किस टाइप से एक्शन पोटेंशियल जो है या वी कैन से कि जो नर्व इम्पल्स है उसका जनरेशन होता है, किस टाइप से नर्व इम्पल्स डेवलप होता है, इस वीडियो में अपने आज इसी के बारे में बात करेंगे। बेटा नर्व इम्पल्स का जनरेशन जो है यानी नर्व इम्पल्स किस टाइप से जनरेट होता है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले इस नर्व सेल की मींस जो एक्सोन वाला पोर्शन था, जैसे भी आप बात करें इस नर्व सेल की कोई भी मेम्ब्रेन ले लें, बट जनरली अपने बात कर रहे हैं इस एक्सोन वाले रीजन की। इस एक्सोन की जो एक्सोलेमा थी मींस एक्सोन की जो ब्लैक कलर से अलाइनिंग दिख रही है मेम्ब्रेन जो थी उस मेम्ब्रेन की, इस मेम्ब्रेन का सेक्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस टाइप से एक्सोलेमा जो है वो इंटरनली होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसा आप लोगों ने लास्ट ईयर फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया था, सेम टू सेम बात वही यहाँ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्सोलेमा भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है किसकी, इस नर्व सेल की। तो इस सेल मेम्ब्रेन में देखा जाए तो ब्लू कलर से मैंने फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर जो है वो ड्रॉ कर दी है। इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में आप लोगों ने बहुत सारी जगह लास्ट ईयर भी देखा था कि कुछ चैनल प्रोटीन्स होती है, जैसे ये जो मैंने ड्रॉ की है दोनों की दोनों बेटा, ये चैनल प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर चैनल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन। और ये जो चैनल प्रोटीन है ये जनरली आयंस के डिफ्यूजन से रिलेटेड हो जाती है, यानी ये क्या करती है, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस, आयंस के डिफ्यूजन से रिलेटेड होती है। और जनरली अपने को पता है कि जब आयंस का डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन ऑलवेज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो बेटा आपका आंसर आएगा कि सर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मीन्स जिस आयन की कंसेंट्रेशन जिस साइड में ज़्यादा होती है उस साइड से अदर साइड की तरफ उस आयन को ट्रांसफर करने का काम करेगी। और बाई डिफ्यूजन मीन्स ये एक टाइप से क्या है बेटा, ये पैसिव मेथड है। कैसा मेथड है, पैसिव मेथड है। और इस पैसिव मेथड के थ्रू ये क्या करेगी, आयन्स को बैलेंस करवाने के लिए हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट करवाने का काम ये चैनल प्रोटीन्स जो है वो आयन चैनल प्रोटीन जो है वो वर्क करने वाली है। इसके अलावा बेटा आप लोगों को इसमें मैंने एक इस टाइप की प्रोटीन भी ड्रॉ कर रखी है, ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही होगी इसे एक्सोलेमा के। एक्सोलेमा जो है इस सिंगल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस टाइप से है, इसके अंदर वाली साइड मींस ये रीजन जो है आपका, ये मैंने इस साइड में ड्रॉ किया जिसको एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, और इसके आउटसाइड मींस ये आपके आउटसाइड वाला रीजन है जो जिस साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है मींस एक्सोलेमा के आउटसाइड की। तो इस एक्सोलेमा में ये जो चैनल प्रोटीन्स होती है, इन चैनल प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होती है, और ये जो प्रोटीन होती है ये जनरली कैरियर प्रोटीन्स होती है। इस प्रोटीन का नेम मैं यहां लिख रहा हूं, कैरियर प्रोटीन। ये बेटा कैरियर प्रोटीन जो है जनरली क्या करती है, ये एज ए पंप बिहेव करती है, पंप। और जनरली जो आपकी एक्सोलेमा है उस एक्सोलेमा के अंदर आपको सोडियम पोटेशियम पंप जो है मिलने वाला है, यानी ये जो कैरियर प्रोटीन है वो एज ए सोडियम पोटेशियम पंप बिहेव करती है। और ये कैरियर नेम से ही क्लियर है कि इट इज कैरियर, और जब ये कैरियर होगा तो ये 100% श्योर है कि बेटा ये किसको यूज करने वाली है, ये एटीपी का कंजप्शन करने वाली है, मींस एटीपी को यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी। तो इनसाइड से ही एटीपी मिलेगी, तो मैं लिख देता हूं एटीपी कंजप्शन, और एटीपी का यूज करके ये क्या बनाएगी बेटा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को यूज करते हुए ये जो सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसको इस एक्सोलेमा के आउटसाइड एंड इनसाइड मेंटेन करवाने की कोशिश करेगी, या इनकी जो कंसंट्रेशन नॉर्मली रहती है उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाने का काम करेगी। इसी वजह से इस कैरियर प्रोटीन को जो
एटीपी को यूटिलाइज करते हुए सोडियम एंड पोटेशियम को मेंटेन करने का, उनको ट्रांसफर करने का काम करती है, इसलिए आप इनको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्योंकि अपने को पता है एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव एक्टिव मेथड से क्या करने वाला है, एक्टिव मेथड्स को यूज करेगा और फॉर बैलेंस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यानी इनको बैलेंस करने के लिए एक्टिव मेथड को फॉलो करेगा। जबकि ये जो चैनल प्रोटीन्स थी बेटा, ये जनरली डिफ्यूजन के थ्रू और वी कैन से पैसिव मेथड्स के थ्रू इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और ये भी तो अपने को पता है कि जब ये एक्टिव मेथड है तो यहाँ जो वर्क होगा वो अगेंस्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क होने वाला है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क होगा। और इस वाले सिस्टम में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन होगा। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा हाई टू लो, और अगेंस्ट का मतलब होता है यहां आपको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी अमाउंट किसी आयन की कंसंट्रेशन कम है तो भी उसको किसकी तरफ भेजा जा सकता है, हाई की तरफ भेजा जा सकता है। जबकि इस अकॉर्डिंग टू वाले में क्या होता है बेटा, हाई टू लो ही मूवमेंट होती है। तो ये आपकी जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन एज ए सोडियम पोटेशियम पंप बिहेव करेगी, और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी इट ट्रांसफर द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। देखो इस पंप में जनरली ये क्या करती है कि 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड फॉरवर्ड कर देती है और उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस को इनसाइड फॉरवर्ड करती है। मींस 2 पोटेशियम को इनसाइड एंड 3 सोडियम को आउटसाइड ट्रांसफर करती है। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि सर सोडियम आयंस जो है आउटसाइड मोर अमाउंट में हो गए और सोडियम अमाउंट आउटसाइड में मोर होते हैं, इसलिए आउटसाइड में चार्ज कौन सा रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और इनसाइड क्योंकि सोडियम आयन मीन प्लस आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि 3 प्लस आउटसाइड जा रहे हैं, इनसाइड आ कितने रहे, 2 प्लस। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ आप मान सकते हो कि इनसाइड कैसा चार्ज होना चाहिए। जनरल वे में देखा जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 3 प्लस को आउटसाइड एंड 2 प्लस को इनसाइड ला रहे हैं, तो ओवरऑल प्लस चार्ज किस साइड में इंक्रीज हो रहा है, आउटसाइड में इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस एक्सोलेमा हैव नॉर्मल चार्ज, आउटसाइड जो है पॉजिटिव रहने वाला है और इनसाइड कैसा रहने वाला है बेटा, नेगेटिव चार्ज जो है वो शो करने वाली है। ये चैनल प्रोटीन क्या करेगी बेटा, चैनल प्रोटीन में मान लेते हैं कि ये जो चैनल प्रोटीन है वो पोटेशियम चैनल प्रोटीन है। कौन सी है बेटा, पोटेशियम चैनल प्रोटीन है। अब आप कॉमन सी बात है, आप सोचें कि भी आउटसाइड या इनसाइड में कौन सी साइड में पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कौन सी में ज्यादा है, अभी पोटेशियम आयन तो इनसाइड ज्यादा है। तो ये यदि पोटेशियम चैनल प्रोटीन है तो ये क्या करेगी, पोटेशियम को आउटसाइड लेके जाने का काम करने वाली है। किसको बाहर लेके जाने का काम करेगी, पोटेशियम को। और मान लेते हैं कि ये आपके सोडियम चैनल प्रोटीन है, कौन सी, सोडियम चैनल प्रोटीन है। तो ये सोडियम चैनल प्रोटीन क्या काम करेगी बेटा, सोडियम की कंसेंट्रेशन कौन सी साइड में ज्यादा है, क्योंकि जनरली ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो आप बोलोगे सर सोडियम आउटसाइड में सोडियम ज्यादा है, Na+ ज्यादा है, तो इस सोडियम को अंदर लाने का काम कौन करेगी, आपके सोडियम चैनल प्रोटीन करेगी। अब नॉर्मल सा फीचर हुआ कि जहां पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन थी, हाई टू लो मींस आउटसाइड कम थी तो आउटसाइड ले गए, और सोडियम की आउटसाइड ज्यादा थी तो उसको कहां ले आए, इनसाइड ले आए। तो चैनल प्रोटीन तो बेटा ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाला है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही वर्क करेगा, और ऑलवेज हाई टू लो और लो टू हाई ही मूवमेंट करवाने वाला है, सॉरी हाई टू लो ही मूवमेंट करवाने वाला है। जबकि ये जो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, एक्टिव मेथड्स के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है, वो हमेशा क्या करेगा, ये सिस्टम रखेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा बेटा, आप कह रहे हैं कि सर देखो यहां मान लो बाई चांस कुछ इंबैलेंस हो भी गया, थोड़ा सा सोडियम ज्यादा बाहर चला गया, पोटेशियम ज्यादा अंदर आ गया, तो कोई बात नहीं है, ये इसको क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए था, मींस कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव वाला कोई इशू में इसमें नहीं होना चाहिए था। परंतु होता क्या है बेटा, आप लोग भी मान के चले क्योंकि यहाँ एटीपी कंजप्शन के थ्रू वर्क हो रहा है, तो ये सिस्टम इसमें ज्यादा वर्क करता है, मोर इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव
एज कंपेयर टू दिस सिस्टम, मतलब ये सिस्टम तो बहुत कम वर्किंग में है और ये सिस्टम ज्यादा वर्किंग में है। तो आप बोलोगे सर वर्किंग में ये ज्यादा है, इट मीन्स आउटसाइड सोडियम ज्यादा रहेगा और इनसाइड पोटेशियम ज्यादा रहने वाला है, और इस वजह से जो ओवरऑल ओवरऑल चार्ज है वो आउटसाइड कैसा रहेगा पॉजिटिव और इनसाइड कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। बेटा इन दोनों कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स के अलावा मैंने इस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन भी ड्रॉ कर रखे हैं। ये प्रोटीन बेटा आप लोगों को दिख रही होगी, ये प्रोटीन भी ब्लैक कलर से और यहाँ मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखी है। बेटा इस रेड कलर वाली प्रोटीन का मैंने वन साइड जो है वो ब्लॉक कर रखा है, इस टाइप से क्लोज कर रखा है इसको, ये तो इरेज हो गया वापस, इसको मैंने क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, और इसका भी ये बंद है, और इधर ब्लैक वालों का भी वन साइड जो है मैंने बंद कर रखी है। आप ये मान सकते हैं बेटा कि ये क्लोज कंडीशन में होती है, बंद कंडीशन में ही रहती है। इन क्लोज वाली रेड वालों को यानी कुछ प्रोटीन्स को आप लोग बोल सकते हैं पोटेशियम सॉरी सोडियम गेट प्रोटीन, क्या बोल सकते हैं इनको, सोडियम गेट प्रोटीन, या फिर आप बोल सकते हैं इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रोटीन, क्या बोल सकते हैं इनको, दीज आर, मैं यहां लिख देता हूं नेम बेटा, ये हो चाहे ये वाली हो, ये है आपके वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स, चैनल्स, और ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं बेटा ये आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन में कैसे दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर दिस चैनल जो है या दिस गेट जो है वो ऑलवेज कैसे रहते हैं बेटा, क्लोज कंडीशन में रहते हैं, बंद कंडीशन में रहते हैं। इनमें से कुछ वोल्टेज गेट जो है, ये वाले गेट जो है इनको मैं लिख देता हूं कि दे सोडियम गेट है, और ये कौन से गेट है बेटा, ये पोटेशियम गेट का काम करने वाले हैं। मीन्स ये जनरली क्या करेगा कि जब डीप रिपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, सोडियम को इनसाइड लाने का काम करेगा और ये पोटेशियम को आउटसाइड ले जाने का काम करेगा। ये गेट कब खुलते हैं इनकी बात बाद में करेंगे, बट आप लोगों को इस डायग्राम में सिर्फ इतनी सी बातें देखनी है कि एक तो कैरियर प्रोटीन होती है विच बिहेव एज सोडियम पोटेशियम पंप, और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिव मेथड से वर्क करेगा, और जनरली क्या करेगा जो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस है उनको टू थ्री सोडियम आयंस को इनसाइड टू आउटसाइड फॉरवर्ड करेगा, वाइल इसके बदले में क्या करेगा बेटा टू पोटेशियम आयंस को आउटसाइड टू इनसाइड लाने का काम करने वाला है। जबकि जो चैनल प्रोटीन्स है ये बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस यानी मीन्स पैसिव मेथड के थ्रू क्या करेगी, आयंस को बैलेंस करने का काम करेगी, और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही वर्क करती है। मीन्स सोडियम आयंस इफ इनसाइड हाई है तो उनको आउटसाइड ले जाने का काम करेगी, और यदि आउटसाइड सोडियम कंसंट्रेशन हाई है तो उनको अंदर वाली साइड में लाने का काम करेगी सोडियम्स को, और पोटेशियम को बाहर ले जाने का काम करने वाली है। ये जो चैनल प्रोटीन्स वाला फंक्शन है यानी जो डिफ्यूजन वाला फंक्शन है ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, जबकि ये फास्टली और ज्यादातर इफेक्टिव यही होती है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि सर इस प्रोटीन इस जो मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज रहता है और इनसाइड नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने कहा सर कि सम वोल्टेज गेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और वी कैन से वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच आर रिमेन्स क्लोज इन नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में ये कैसे रहते हैं बेटा, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ये आपके इस एक्सोलेमा की इनसाइड एंड आउटसाइड की कंडीशंस हुई। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि रेस्टिंग फेज के अंदर या फिर एक्साइटेड फेज के अंदर ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इनको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करें। बेटा इसके बाद अपने जो नर्व इंपल्स का जनरेशन है उसके लिए मैंने थ्री डायग्राम जो है आप लोगों के सामने रखे हैं। इन डायग्राम्स को और फर्स्ट वाले डायग्राम को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको भी मैंने सामने रखा हुआ है। इस फर्स्ट डायग्राम में अपने छोटा सा पॉइंट रह गया था कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का वर्क जो है ये करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेस्टिंग फेज थी यानी जब आपकी नर्व को आपके न्यूरॉन्स को किसी टाइप का कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा, उस सिचुएशन को देखा जाए तो उस सिचुएशन में जो नॉर्मल मैंने प्रोसेस बताई थी यही सिस्टम वर्क करेगा। मींस आप लोगों का एक तो ये जो कैरियर प्रोटीन थी
जो एटीपी को यूटिलाइज करके अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और वी कैन से कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करके 3 सोडियम आयन्स को आउटसाइड ट्रांसफर कर रही थी एंड 2 पोटेशियम आयन्स को इनसाइड ट्रांसफर कर रही थी। और इसी एक्टिव मेथड की वजह से आपने कहा था कि सर आउटसाइड ऑफ एक्सोलेमा जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड इनसाइड कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सर ये जो गेट थे, वोल्टेज गेट्स जो थे, ये वोल्टेज गेट्स नॉर्मली क्लोज रहते हैं। देखो मैंने इस रेड कलर वाले गेट को और इस ब्लैक कलर वाले गेट को क्या कर रखा है बेटा, क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। और इसके अलावा आपने कहा था कि सर चैनल प्रोटीन्स होती है जिनके थ्रू अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, मीन्स यहाँ सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू सोडियम आयन्स जो इनसाइड टू आउटसाइड आएंगे, सॉरी आउटसाइड टू इनसाइड आएंगे, और वाइल पोटेशियम आयन जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेंगे। ये जो रेस्टिंग कंडीशन थी, बिल्कुल रेस्ट वाली कंडीशन थी, इसी को आप बोलते हैं बेटा फर्स्ट फेज या रेस्टिंग फेज, या इसी कंडीशन में पोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड नेगेटिव चार्ज रहेगा। किसकी वजह से? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। हालांकि इस सोडियम पोटेशियम पंप के बिल्कुल अपोजिशन में वर्क करने वाला सिस्टम होता है आपका चैनल प्रोटीन्स वाला, जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपोजिट वर्क कर रहा है, बट फिर भी आप कहेंगे कि इनमें ज़्यादातर सोडियम पोटेशियम पंप मोर अमाउंट में वर्क करता है, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आउटसाइड पॉजिटिव रहने वाला है और इनसाइड नेगेटिव रहने वाला है। और ये जो कंडीशन है जिसमें, देखो मैंने सेम टू सेम डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है, जिसमें रेड कलर वाले जो गेट है और ब्लैक कलर वाले जो है उनको क्लोज कर रखा है, और जो नॉर्मल सिचुएशन है ये डिफ्यूजन वाली और सोडियम पोटेशियम पंप वाली, उसी को ऑन रख दिखा रखा है। इस सिचुएशन में बेटा आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनसाइड नेगेटिव चार्ज है और आउटसाइड कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो डिफरेंस है बेटा, इस डिफरेंस को आप लोग मेम्ब्रेन वोल्टेज जो है उसमें मेजर कर सकते हैं, या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बता सकते हैं। और जनरली इनसाइड जो है वो आपके कंडीशन रहती है -70 मिली वोल्टेज जो है, ये आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रहने वाला है। इसको बोलते हैं आप लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जो -70 मिली वोल्टेज है। और ये किसकी वजह से है आपको ये भी पता है कि ये ज़्यादातर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यानी सोडियम पोटेशियम पंप जो वर्क करता है, उसी पंप की वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो कितना है आपका, वो आपका -70 मिली वोल्टेज जो है वो आपका है। और ये इसकी रेंज भी इसमें नॉर्मली कहीं मिल जाती है कि -60 to -85 तक भी हो सकती है बेटा, बट अपने को याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप है। अब क्या हुआ कि आपने सेम सिचुएशन के अंदर, सेम कंडीशंस के अंदर आप लोगों ने इस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, या इस सिस्टम को, या आपकी जो नर्व सेल थी उस नर्व सेल को आपने किसी भी टाइप से डीपोलराइज करने की कोशिश की, मींस जो पोलराइज कंडीशन थी आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव चार्ज जो था, इसको आपने किसी भी टाइप का कोई स्टिमुलस दे दिया। क्या दे दिया बेटा? आउटसाइड को स्टिमुलस दे दिया, आपने कोई पिन टच कर दी या कोई अदर आप लोगों ने चोट जो है वो लगा दी। इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो सोडियम जो कैल्शियम आयन्स थे, जिन कैल्शियम आयन की वजह से ये आपके जो गेट थे, मीन्स ये जो आपके वोल्टेज गेट जो थे वो जो बंद पड़े थे, वो पोटेशियम आयन की वजह से, सॉरी कैल्शियम आयन की वजह से बंद थे। बट हुआ क्या कि जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई, और परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से ये जो गेट थे, और इनमें से भी पर्टिकुलर कौन से गेट बेटा, ये जो सोडियम गेट थे, इन गेट्स को रेड कलर वालों को क्या लिख रहे हैं अपने, सोडियम आयन वोल्टेज गेट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? वैसे ये भी वोल्टेज गेट, ये भी वोल्टेज गेट, ये सोडियम आयन वोल्टेज गेट जिनको मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, और ये आपके बेटा होते हैं इसके साथ में पोटेशियम आयन वोल्टेज गेट। तो मैंने कहा कि जैसे ही आप लोगों ने इस रेस्टिंग वाली कंडीशन के ऊपर किसी टाइप से कोई पिन टच की, या आपने कोई स्टिमुलस को प्रोवाइड किया, तो उस स्टिमुलस की वजह से बेटा ये सिस्टम तो नॉर्मल था, बट आपकी जो
इस मेम्ब्रेन के सोडियम गेट थे वो ओपन हो गए। देखो सोडियम गेट को मैंने यहाँ ओपन दिखा रखा है बेटा, किसी टाइप से ऊपर से क्लोज नहीं किया। और सोडियम गेट ओपन होते ही आउटसाइड का जितना भी सोडियम था वो एकदम से इनफ्लक्स होता है, मतलब अंदर वाली साइड में मूव करता है। और जैसे ही सोडियम अंदर मूव करेगा तो अंदर वाली साइड में क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और आउटसाइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कह रहा है कि जब आप डीपोलराइजेशन का वर्क करते हैं, स्टार्टिंग में पिन टच करते हैं, तो कैल्शियम आयन के रिमूव होने से ये आपके सोडियम गेट ओपन होते हैं, और सोडियम गेट ओपन होने की वजह से सोडियम इनसाइड मूव करके जाता है। जैसे ही सोडियम इनसाइड मूव करके जाएगा, ये जो आपका -70 मिली वोल्ट जो था ये थोड़ा सा चेंज होकर -60 मिली वोल्ट पे आता है। कितने पे आता है बेटा, -60 मिली वोल्ट पे आता है। मीन्स बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज गया उसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो गया, 70 वाला न्यूट्रलाइज होकर कितने पे आ गया, 60 पे आ गया। और जो सिक्स यानी आपने बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड +10 मिली वोल्टेज जो है वो स्टार्टिंग में जो स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस की वजह से सोडियम के अंदर जाने की वजह से इनसाइड +10 मिली वोल्टेज बढ़ा, और +10 मिली वोल्टेज बढ़ते ही जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 से कितने पे आ गया बेटा, -60 पे आ गया। अब ये -60 पे आ गया, इसने तुरंत ही क्या किया, वापिस मैसेज फॉरवर्ड किया किसके पास, इन्हीं सोडियम गेट के पास। किनके पास, सोडियम गेट के पास, कि यार इन गेट को और ओपन कर दो आप लोग। तो फिर क्या करते हैं, इन सोडियम गेट को इसी पोटेंशियल का, जिसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से ये जो गेट थे वो सारे के सारे सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, और खूब सारा सोडियम जो इनसाइड आने लग जाता है। और जैसे ही सोडियम इनसाइड आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन का, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का -70 वाला कितना हुआ था, -60, ये करते करते हो सकता है कि प्लस में 32 +45 मिली वोल्टेज तक भी पहुंच जाए। यानी ये जो चार्ज में डिफरेंस आया था, ये पहले तो क्या होगा बेटा, -70 से -60 हुआ, और -60 होने के बाद में क्यों, क्योंकि 10 मिली वोल्टेज आपके स्टिमुलस की वजह से जो आया उसने वापिस इसको स्टिमुलेट किया कि और ज्यादा सोडियम को अंदर आने दे। और जब सोडियम अंदर आएगा मीन्स सोडियम गेट ओपन होंगे, और सोडियम गेट जो है वोल्टेज गेट जब ओपन होंगे सोडियम वाले, तो खूब सारा सोडियम इनसाइड आएगा। इनसाइड आने की वजह से ये जो चार्ज है पहले धीरे धीरे करते 0 होगा, और 0 होने के बाद में कितने पर चला जाएगा बेटा, ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव लास्ट पॉजिटिव जो आएगा वो +32 +45 हो सकता है, इसको आप बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टार्टिंग में जो 10 मिली वोल्टेज प्लस वाला अंदर आया था, जिसकी वजह से इसकी परमिबिलिटी -72 -60 हो गई थी इसकी वोल्टेज, तो इस 10 को आप बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू तो +10 मिली वोल्टेज, और जो आपका एक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, +32 +45 मिली वोल्टेज। और ये चार्ज अंदर वाली साइड में पॉजिटिव हो गया और आउटसाइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पहले वाली यदि कंडीशन पोलराइज थी तो अब ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब जो पोले वाले वाली कंडीशन थी उसका उसका अपोजिट हो गया। पहले बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्साइटिंग स्टेज में, मतलब जब आपकी नर्व सेल को किसी टाइप का कोई स्टिमुलस मिलता है इनिशियली, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हुए, उस स्टिमुलस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहा बेटा, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर ये सिस्टम होता है जिसकी वजह से सोडियम गेट ओपन होने की वजह से सोडियम इनफ्लक्स होता है और बाकी सिस्टम नॉर्मल रहता है। इस वजह से इनसाइड जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सिचुएशन पे आते हैं बेटा। इस थर्ड सिचुएशन पे जब आप जाओगे तो थर्ड में कुछ आप लोगों को अलग पॉइंट दिख रहे होंगे। इस अलग पॉइंट में देखो, मैंने वापस इन सोडियम वोल्टेज गेट को क्लोज कर दिया, रेड कलर के जो सोडियम वोल्टेज गेट थे उनको तो क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। और सोडियम वोल्टेज गेट को क्लोज करने के अलावा ये जो आपके ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखे थे, जिनको आप पोटेशियम वोल्टेज गेट बोल सकते हैं, इन पोटेशियम वोल्टेज गेट को ओपन कर दिया। देखो मैंने यहां डायरेक्ट नहीं किया, इसको ओपन दिखा दिया। अब ये जो ओपन्ड कंडीशन है, बिल्कुल पोटेशियम गेट जो ओपन है,
ये क्या करेंगे, इस वाली सिचुएशन को अपोज करेंगे और अब एकदम से नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर, 5 मिली सेकेंड्स के अंदर ही क्या होता है बेटा, ये जो सोडियम गेट थे वो क्लोज हो गए और पोटेशियम गेट ओपन हो गए, और पोटेशियम गेट ओपन होने की वजह से इन साइड का पोटेशियम सारा का सारा कहाँ जाएगा बेटा, बाहर जाएगा, और इस पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से वापस जो चार्ज है वो धीरे धीरे इस +32 +45 जो था इनसाइड वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले जीरो होगा और जीरो होने के बाद में बेटा वो माइनस में नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। इसी को आप बोलते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब इस डीपोलराइजेशन के बाद में ये वाली सिचुएशन रिक्रिएट करना, वापस से ये कंडीशन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम गेट को, पहले पोटेशियम गेट को ओपन करना पड़ेगा ताकि एक्सेस पोटेशियम बाहर जाए, और बाहर जाने के बाद में नॉर्मल सोडियम पोटेशियम पंप और नॉर्मल डिफ्यूजन वर्क चलता रहेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, जो चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ था इनसाइड वो धीरे धीरे वापस -70 मिली वोल्टेज तक नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें जो नेगेटिविटी आती है वो -70 से बढ़कर ये -85 तक भी जाती है इनिशियली। कितने तक जाती है बेटा, -85 तक भी जाती है, और ये -85 तक जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर पोलराइजेशन। और इस हाइपर पोलराइजेशन के बाद में धीरे धीरे कम होते होते -70 मिली वोल्टेज तक पहुंच जाती है, वापस नॉर्मल कंडीशन रेस्टिंग फेज पे ही आ जाती है। तो ये आपका, यानी जब नॉर्मल फेज है तो सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन, एंड बोथ टाइप ऑफ वोल्टेज गेट्स आर क्लोज रिमेन्स क्लोज, लाइकवाइज सोडियम वोल्टेज गेट एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट्स आर रिमेन्स क्लोज, व्हाइल इन एक्साइटिंग स्टेज और वी कैन से इन डीपोलराइजेशन कंडीशन, और वी कैन से when we gave stimulus to our nerve cell, then this condition creates special type of stimulus by which sodium voltage gate open and sodium influx takes place while potassium gates remains closed, और उसके वजह से sodium inside influx की वजह से inside का जो charge है बेटा वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज कंडीशन। और डीपोलराइज कंडीशन के लिए इनिशियल जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, मींस स्टार्टिंग में आपने जो स्टिमुलस दिया उसकी वजह से जो अंदर की तरफ 10 मिली वोल्टेज लाइक चार्ज ही अंदर ट्रांसफर हुआ, जिसको आपने बोला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और धीरे धीरे खूब सारे सोडियम अंदर आने की वजह से ये पहले जीरो होगा, जीरो होने के बाद पॉजिटिव 32 पॉजिटिव 45 मिली वोल्टेज तक चला जाएगा, इसी को आप बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करता है, ये मूवमेंट कैसे करता है वो अपने अगले पॉइंट में देखेंगे, बट फिर भी अपने एक पॉइंट पे कैसे डीपोलराइजेशन हुआ उसकी बात की। और उसके बाद में आता है बेटा रीपोलराइजेशन, यानी जिस एरिया में डीपोलराइजेशन हुआ था ये वोल्टेज जो था, ये जो एक्शन पोटेंशियल था वो फॉरवर्ड हो जाएगा और पीछे वाली सिचुएशन वापस क्रिएट होगी, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के लिए आपने कहा कि सर ये जो पोटेशियम गेट है वो तो ओपन हो जाएंगे और सोडियम गेट क्लोज हो जाएंगे, और बाकी नॉर्मल सिस्टम सोडियम पोटेशियम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब ये कह रहा है कि डीपोलराइजेशन के बाद में रीपोलराइजेशन होकर नॉर्मल कंडीशन आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। और ये आपका 1 to 5 मिली सेकेंड तक का ही डीपोलराइजेशन होता है, मींस 1 to 5 सेकेंड के बाद में नॉर्मल कंडीशन वापिस आ जाती है। तो ये आपका किस टाइप से जो डिफरेंस आने वाला है वो मैंने आपको बताया बेटा। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उस वीडियो को आप थोड़ा सा एक बार देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे आगे की कि भी इसमें किस टाइप से साल्टेटरी कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का, कौन सी कंडीशन में कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, इनकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू।